आपसे हूँ। मैं एक्चुअली 2012 में मैंने दुबई में जॉब स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैं ऐसे चलता रहा मेरा लाइफ। परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा उस दुबई में। तो कोरोना के समय के टाइम में मेरे मन में आया मैं दूसरी कंट्री जाना चाहता था, लेकिन एक जूम के द्वारा मास्टर जयमल जी जो यूके में है, रब की आवाज़ के साथ में वो मिनिस्ट्री चलाते हैं, तो मैं उनको ये उनके द्वारा मैंने प्रार्थना करवाई। मैं उनको बोला अपनी टेस्ट बन, अपने बारे में बताया, मैंने कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो, मैं एक अच्छी कंट्री जाना चाहता हूँ, कनाडा या यूरोप कोई भी कंट्री हो तो मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के दास मास्टर जयमल जी हैं जो यूके में हैं, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया आज से 2 साल पहले कोरोना के समय में। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी प्रार्थना के द्वारा आज मैं माल्टा में, मेरे को काफ़ी 2 महीने हो चुके हैं मैं माल्टा में आया हूँ। मैं उस परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का पास्टर जयमल जी का धन्यवाद करता हूँ, उसकी फैमिली का, पूरी रब की आवाज़ मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। तो मैं यही मेरी लाइफ की एक टेस्टिमनी बहुत बड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर के दास के द्वारा, जो मैंने सोचा जैसे मैं सोच के आया हूँ यहाँ पर, तो परमेश्वर ने उस मेरी जो सोच के आया हूँ वो मेरा परमेश्वर पूरा करेगा मेरी लाइफ के। मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे देखेंगे तो परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर सच्चा है, उसके अलावा कोई हमारा परमेश्वर नहीं दुनिया में, वही एक इंसान को मुक्ति दे सकता है।